जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन सी 3 आदतें हैं जो आपको कंगाल कर सकती हैं, जो शायद आपको नहीं पता है और वो आपको आज जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें। इन 3 आदत जो हर एक व्यक्ति में बहुत हद तक संभावना होती है कि ये 3 आदत होती है, तो हम उन आदतों को एड्रेस कैसे करें, कैसे है वो, कौन सी 3 आदतें हैं, उनके बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, अगर जीवन में कोई परेशानी आपके चल रही है जिसका आप निदान चाहते हैं, सकारात्मक निदान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। उसका शुल्क लागू है, फीस है उसका, फीस पे करके आप बात कर सकते हैं। सबसे पहली आदत जो आपको कंगाली की ओर ले जाती है वो है आपका किसी भी व्यक्ति पर दया करना। अब यहाँ से पूरी बात को टेक्निकल तरीके से पूरा समझ लीजिए कि हम किसी व्यक्ति पर दया की, उसने हमें धोखा दिया और फिर हम उस पर दया कर रहे हैं, और ये आपके साथ हो रहा है क्योंकि हम बहुत सरल हैं, सहज हैं, लोगों को बहुत जल्दी माफ कर देते हैं। वो बहुत अच्छी बात है, बस सभी चीजें अच्छी बात है, लेकिन जिस व्यक्ति पर हमने एक बार दया की, जिसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश की, जिसका सपोर्ट किया, जो कि इस दुनिया में कोई नहीं करता है आज के इस दौर में, आपने किया और उसका जो परिणाम है, हमें कुछ नहीं चाहिए किसी से, लेकिन वो व्यक्ति हमें ही दिक्कत दे रहा है, इसलिए आप कंगाल हो जाएंगे जिस व्यक्ति ने एक बार आपको धोखा दे दिया है, जिस पर, मतलब धोखा देने से मतलब है जिसने आप जिसके आपने मदद की, सहयोग किया, आगे बढ़ाया, और वही व्यक्ति आप पर पलट कर धोखा दे रहा है और आप उसे माफ करके फिर से दूसरा अवसर ना दे। इस विषय को लेकर थोड़ा सा दोस्तों आपको सचेत रहना है। दूसरी बात है कर्ज। एक कर्ज को दबाने के लिए दूसरा कर्ज हम लेते रहते हैं और एक ही रोटेशन चलता रहता है कि हाँ ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, मतलब एक कर्ज को दबाकर इसलिए जितना हो सके कर्ज से दूरी बनाए, क्योंकि कर्ज जीवन के लिए नाशदायक है। अब आप ये कहेंगे बिना कर्ज तो कुछ होगा ही नहीं, मैं कह ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कर्ज न ले, कर्ज उतना ही ले जितना हम सकारात्मक वे में भर सके, कि हम चाहते हैं कि हम एक अमाउंट उदाहरण के लिए देख सकते हैं कि हम 1 लाख रुपए का कर्ज चुका सकते हैं तो भी आप उसका 50% ही लेके, हाँ 85,000 हमको कर्ज लेना है और इसी में जो भी करना है वो करके आगे बढ़ना है, इस तरह से चीजों को करना है, न कि, क्योंकि कर्ज बहुत बड़ा एक अपने आप में विषय है, उसमें व्यक्ति उलझता है और उलझते ही जाता है, इसलिए कर्ज से बचे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है इस युग में, नशा। कोई सा भी नशा इस जीवन के लिए नाशदायक है, नशा धीरे 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 हमें अपने आगोश में लेता रहता है और हम कितनी भी कोशिश करते हैं उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। दोस्तों, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जीवन में कोई सा भी नशा हो, देखिए नशा ये नहीं कि आप जो करते हैं वो नशा, कई सारी चीजें नेगेटिव वे में हम में नशे के तौर पर है, हमें बहुत सा गुस्सा आ जाता है, ये भी नशा है, मतलब इतने नशे हैं जो हमारे शरीर के लिए किसी व्यक्ति का दिल दुखाते हैं जाने अनजाने में, वो सभी नशे हमें छोड़ देना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।